पावर एंड दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स. व्हेन अर्जुन कपूर सेड कि मलिष्का ये हम मिलके करते हैं, हमें बहुत मजा आया. लेट मी प्रेजेंट टू यू बेंट द जेंडर के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, नन अदर दैन हु मेड इट टुडे द मैन ऑफ द मोमेंट, अर्जुन कपूर. विद अ प्रेजेंस. माइक बिना जो बोल सकती है उसका नाम है मलिष्का. बट अर्जुन द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट कि आज तुम्हारी आवाज नहीं, द इम्पोर्टेंट थिंग इज आज तुम जगे. लेडीज एंड जेंटलमैन, दोस्त हु कैन गिव हिम अ बिग हैंड. मेरे साथ साथ सारे मीडिया वाले भी चलके वापस आ गए. सर सर सारे बहुत मीडिया था तो इसे थैंक यू. मोबाइल पे चलो ना. जब एक घर में शादी होती है, चाहे वो लड़की की हो लड़की की, आप चाहते हो कि जितने ज्यादा लोग आए, जितने आशीर्वाद मिले, जितना मजा है उतना अच्छा है. The way the media allowed us to have the wedding of her dreams and still put it out there ताकि सब लोग देख सकें. And I'm hoping सोनम जितनी अच्छी लड़की और आनंद जितना अच्छा लड़का है, for whatever it's worth, what Anand has just earned in all these years, to get blessings and to get love and affection, it wouldn't be possible if the media would have allowed it to happen a certain way. So I think that really stood out. बहुत बार बोला जाता है इस बार बॉम्बे में शादी करना मुश्किल है, प्राइवेसी नहीं मिलती, स्पेस नहीं मिलती. हमारे एक इवेंट घर पर था, दूसरा इवेंट ये घर पर था, तीसरा होटल में था. उसके बावजूद आई थिंक सब जो आए थे हमारे सारे मीडिया के परिवार, किसी ने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने की, इनफैक्ट केवल सपोर्ट है. मेन श्योर दैट दुनिया भर में जो लोग नहीं अटेंड कर सकते उन्हें देखने का मौका मिला कि मेरी बहन फाइनली अब शादी कर चुकी. तो थैंक यू. That was so good. Yes, तो मीडिया की बलाएं लेते हुए. My favorite moment was of course seeing you guys sing. And then after that, Shahrukh Khan, Salman Khan, and Anil Chachu जो vibe कर रहे थे बहुत. Vibe. The most nicest part is जब आप शादी में भूल जाते हो कि शादी पे आए हो. हाँ. आपको लगता पार्टी चल रही है, तो forget करने से उन्हें बहुत दूर फील होता है. काम से बात ऑफर करती है. So really happy to see my entire family आपके साथ. And like I said, we have so many people from the fraternity coming and blessing us. That's so carefree. Nobody was worried that cameras are there, they were enjoying themselves. It's a great thing. So thank you for involving all of us in that wedding. And again, thank you for making it today because today is a very important day. Bend the gender के लिए आपने कुछ लोगों को चुना, हमने Red FM पर कुछ लोगों को चुना. Such people जिन्होंने be common men have decided that they would empower or stand behind their already empowered women. I'm going to introduce them to you, but before that, would you like to say a few words about Bend the gender? यार मैं जितना कहना था बहुत कह चुका सोशल मीडिया पे, मैं आपके रेडियो चैनल के द्वारा कह चुका, आपके थ्रू कह चुका. I think it's about time that our country comes together and becomes part of the change rather than just talking about it. Hindustan mein baatein bahut hoti hain, action bahut kam kiya jata hai. So I think it's a nice thing where we can actually felicitate those people that have actually proved to be doers rather than just talkers. बात सब करते हैं लेकिन नीचे जिंदगी में एक्चुअली कौन कितना सपोर्टिव हो पाता है अपने ऑपोजिट सेक्स के लिए. दिस इज नॉट ऑलवेज अबाउट मैन बीइंग फॉर वुमेन और वुमेन बीइंग फॉर मैन, आल्सो कैन बी द केस. इट्स अबाउट बीइंग देयर फॉर योर फ्रेंड्स, पार्टनर्स, सिस्टर्स, मदर्स, योर स्टूडेंट्स, योर टीचर्स, योर कॉलीग्स. व्हाई शुड जेंडर बी द रीजन फॉर यू टू डिफरेंशिएट? एक लड़का एक लड़की की मदद कर सकता है, एक लड़की एक लड़की की मदद कर सकती है. मुझे नजर ही नहीं कि अरे यार तू लड़की है तो नहीं कर पाई. तुम स्टैंडिंग एग्जाम्पल हो ना बेंडिंग द जेंडर. वाह इतना बेंड करने की जरूरत. I'm bending like that. So yeah, I think the most nicest part is that today India's gone beyond talking. There are people walking the walk.
and such people that we have to acknowledge would have walked the walk for quite some time in their own ways by being supportive and encouraging. So I just thought that it's always nice to put it out there for a, there are a lot of men who have certain mindset because of lack of education. बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं जो एक छोटी सोच रखते हैं, गलत सोच रखते हैं कि यार हम औरतों की मदद क्यों करें, औरतों का काम है घर पर बैठना, औरतों का यही काम है, औरतों को इतना ही आता है. आई थिंक इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू शोकेस दैट देयर आर गुड मैन आउट देयर फॉर पीपल टू बिलीव दैट वुमेन विल प्रॉस्पर इन दिस कंट्री, गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी. ऐसे अगर अगर पहली बात करना है, आई वुड लाइक टू शोकेस द फैक्ट दैट हिंदुस्तान में अच्छे मर्द भी हैं. इसीलिए इस बार हमने मर्दों की बातों से शुरू, और मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब मैं करूँगा विल स्टार्ट फ्रॉम द लिमिट पॉइंट, बट दिस वाज मोर इम्पॉर्टेंट दैट आई वांटेड टू शो केस दैट दुनिया में अच्छे मर्द हैं, हिंदुस्तान में अच्छे मर्द हैं, एंड दैट हैज टू बी अ स्टार्टिंग समवेयर. सो आई थिंक टुडे वाज अ गुड डे टू स्टार्ट. सो हिंदुस्तान में लॉट्स ऑफ पीपल से कि यस स्टिल बिफोर आई आस्क यू अ फ्यू मोर थिंग्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पर्सन जिसको हम फेलिसिटेट करना चाहते हैं, जावेद मेहता एंड रोनी गोली जो दिल्ली से आए हैं. Hi Javed and Rohini. You want to say what they've actually done? Because my voice is not there. Okay, so I know that Javed was a Commonwealth gold medalist and Rohini did nominate him for this because he has trained you. Yeah. And not only has he trained you, you are a Delhi State powerlifting champion. No, come on! I don't mind losing to you. Thank you very much. Thank you.
Archer, do you remember a story where you feel like you have... हवा खाने की चाहिए हाँ do you remember a time जब आपने you empowered someone or someone distinctly remember who would come up to you and say last one है यार last thank you I'm sure you inspire many more girls congratulations thank you so much please wait here हमारा भी है या बट यू बाय बोथ द थिंग्स फॉर देम जस्ट लाइक अनफॉर्चूनेटली आज मैं जाऊंगा अगर किसी ने क्वांटम मांगा जाऊंगा तो वो सेल्फी लेके बोलेगा देखो अर्जुन को क्वांटम नहीं मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है मैं 10 बार जाके देखूं और उसके नीचे जो गंदी गंदी बातें लिखी रहेंगी उसका विरोध मैं करता बट आई वुड गो टुडे एट द टॉप ऑफ आई हैड टू फाइंड इन इमरजेंसी इफ आई हैव टू देयर इज नो रीजन दैट आई वुड फील द वो झिझक से ज्यादा इवन फीलिंग क्या घिन आती है ना लोगों को ये सब बातें करनी चाहिए दीज आर नॉट वर्ड्स दैट यूज ऐसे घर पे बात नहीं करनी चाहिए इन सब चीज़ों की वगैरह या सो आई हेट दैट थॉट ओनली यू कैन स्पीक अबाउट एनीथिंग यू शुड स्पीक अबाउट एनीथिंग क्वांटम मेरा में क्या बोल रहा है शांति ना को लेने से योर सिस्टर योर मदर योर वाइफ व्होएवर इज देयर इन योर हाउस शी विल बी एबल टू हैव अ बेटर डे अ बेटर ईयर एंड शी विल बी अ हैप्पियर पर्सन सो इफ यू डूइंग गुड फॉर अदर्स उसमें शर्म की क्या बात है वो तो अच्छी चीज है जो आपने थ्रू दिस कन्वर्सेशंस आई एम आल्सो अगेन एंड अगेन एस्टैब्लिशिंग दैट देयर आर फ्यू गुड मेन देयर और आई कैन इंस्पायर 10 मेन आल्सो आउट ऑफ दिस इन अ ईयर आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट बिकॉज़ इट्स नॉट दैट इजी टू चेंज पीपल्स माइंडसेट अबाउट सो दिस अवार्ड इज एन अटेम्प्ट टू द राइट डायरेक्शन एंड एट द एंड आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप विद यार क्या इतने सालों से जब इंडस्ट्री में काम करना चालू किया ना तो आई रियलाइज यार हमारी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं वी स्टिल विल हैव टू गिव सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन टू कम आउट एंड परस्यू करियर्स टू मेक अ लाइफ टू बी इंडिपेंडेंट टू मेक चॉइसेस और वुमेन एम्पावरमेंट जो टर्म है पिछले कई सालों से वोग में आ गया बहुत सारे लोग ये वर्ड इस्तेमाल ज़रूर करते हैं पर सिर्फ इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली दे डोंट पुट इट इन टू यूज एंड आई ऑलवेज थॉट उसकी शुरुआत तभी होगी जब हिंदुस्तान के मर्द अपनी सोच के धारा बदलेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा दैट वी नीड टू प्रेजेंट दोज मैन दिस ईयर दैट हैव समवेयर मेड अ डिफरेंस इन टू देयर पार्टनर्स लाइफ देयर सिस्टर्स देयर डॉटर्स देयर चिल्ड्रन दे हैव बीन एबल टू बी सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग ऑफ ऑल द गर्ल्स वांट टू परस्यू देयर ड्रीम्स हु आर केपेबल हु जस्ट नीड टू बी सपोर्टेड और सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि उनकी मदद करना कई बार चुपचाप उनके साथ खड़े रहने से भी आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं एंड अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे ज़्यादा करके बोला जाता है लड़कियाँ ये नहीं करती लड़कियाँ वो नहीं करती लड़कियों को शादी करके घर चलाना चाहिए घर बनाना चाहिए अगर एक लड़की काबिल है और लॉयर बनना चाहती है और उसका हस्बैंड उसे लॉयर बनने के लिए सपोर्ट कर सकता है अपने खानदान को समझा सकता है तो आई थिंक ही इज़ अ ट्रू हीरो ना द सेम वुड बी द अदर वे अराउंड इफ अ वुमन कैन गो आउट एंड हेल्प अ मैन अचीविंग हिज एम्बिशंस हिज ड्रीम्स हिज होप्स वी ऑलवेज से बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन Why? Because she sacrifices. The same way I feel behind all the successful women, all the men need to be there. So they can make sure that instead of just talking the change, they become a change in this country. Has a better mindset towards women because it's very demoralizing to see बहुत छोटी सोच रखते हैं कई सारे लोग अभी भी सॉरी मेरा गला बहुत ख़राब है पर यह टॉपिक मेरे लिए बहुत इमोशनल है इसीलिए आज एक्चुअली मैं किसी हालत में नहीं हूँ बात करने का फिर भी करना चाहता हूँ बिकॉज I just feel women need all the empowerment by being given opportunities. जब मौका मिलेगा तो फिर उनके ऊपर वो क्या कर पाएंगी लेकिन यहाँ पे मौके ही नहीं दिए जाते क्यों नहीं दिए जाते क्योंकि तुम औरत हो अब मौका मिलना औरत या मर्द की निशानी थोड़ी ना होती यू शुड बी एबल टू गेट एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज यू आर टैलेंटेड सो दैट्स वाई आई थॉट इट्स एन इनिशिएटिव जस्ट टू ब्रिंग द चेंज इन थॉट प्रोसेस अगर आपने नोटिस किया पिछले महीने मैंने गर्ल राइजिंग के लिए शूट किया गर्ल राइजिंग इज अबाउट एजुकेटिंग चिल्ड्रन स्पेशली गर्ल्स इन द स्मॉलर पार्ट्स ऑफ द कंट्री यूपी में उनका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस वक्त पिछले साल मैंने ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए जनरेट किए थे उनके साथ टू बी एबल टू स्टार्ट ओपनिंग स्कूल्स एंड रनिंग स्कूल्स एंड गेटिंग टीचर्स हु कैन एक्चुअली बी पेड वाइल दे टीचिंग स्टूडेंट्स हु कम फॉर फ्री
शौचालय बनाना. सो फॉर मी इट्स अ 360 डिग्री. ये आज एक मोमेंट है, वो एक अगला मोमेंट है, उसका आप ऐड देखेंगे जो आने वाले अगले महीने. साथ में कुछ कुछ और चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ, और ये सब की शुरुआत एक्चुअली कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ बिकॉज मेरे घर में मेरी बहन और मैं, और मैं सोचता हूँ मेरी बहन मुझसे कहीं ज़्यादा काबिल है. और कहीं ना कहीं शी इज़ द वन हु इंस्पायर्स मी टू बिलीव दैट शी इज़ सो एजुकेटेड, शी इज़ सो सॉर्टेड, शी इज़ सो करेक्ट दैट आई वॉन्ट ऑल द वुमेन इन अ कंट्री टू बी एबल टू डू वॉट दे वॉन्ट टू डू. तो रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, एवरीवेयर आई वुड लाइक टू मेक अ डिफरेंस इन माई ओन स्मॉल वे. दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट. जी आप जी उसके जी See, now what happens now when you got to showcase the rights and wrongs of society, you have to showcase the rights and wrongs of society. आप जब किरदार बनते हो, आप अर्जुन कपूर बन के नहीं सोच सकते, बिकॉज क्या वो आप स्क्रिप्ट के खिलाफ, एक डायरेक्टर के विजन के खिलाफ जा रहे हैं. इट्स फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर, बहुत सारे एक्टर की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी अगर वो सिर्फ उन उसूलों पर चले जिन पर वो जीते हैं. बिकॉज अगर आप बुरा नहीं दिखाओगे तो अच्छाई की जीत कैसे दिखाओगे. So there are a lot of things you have to show reality and to show what actually happens. As an actor, it's my job to be able to showcase what society does. It's like, for example, in Kiyan Ka, if such a talented actor, Rajit Kapoor, he played my father. वैसे इतने सारे मर्द हैं जो actually they're against their sons being a certain way. अगर वो actor वो role नहीं निभाएगा तो वो film कभी दर्शाई नहीं जा सकती. So as an actor, you have to have a very thin line. You have to follow. Obviously your conviction, I'm saying you don't do a script or you don't do a film that you feel is sleazy or is downright rude or cheap towards women. But in a film there are moments which lead you to realize what is right and what is wrong. And for that you need to play certain characters. I don't think if Ranveer doesn't do Padmavat, you will not know what happened, correct? But that does, you all know Ranveer. He's a thorough gentleman. Shah Rukh Khan did Dar, that doesn't define the way he is. आई डिड इशक ज़्यादा यार अपने मुँह में मिठू करूँगा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो आपका काम है. सो या आई जस्ट फील कैरेक्टर जो रोल निभाया जाता है वो अलग होता है और जो एक्टर होता है वो थोड़ा इंसान होता है वो थोड़ा अलग होता है. No, I'll answer it. Do you think actors are ready for a day when actresses will be paid more than actors? I don't think it's about the actors stopping the actresses. I think we are not saying कि नहीं हम नहीं काम करेंगे अगर आप इन्हें ज़्यादा पैसे दोगे. मैंने कभी ये जाके नहीं पूछा कि मेरे कोस्टार को कितने पैसे मिल रहे हैं. There is a business that unfortunately or fortunately this conversation क्या होता है ना, मैं अगर आपको business समझाऊंगा ऐसा लगेगा I'm justifying how the film industry works. The thing is for many years there's been a certain growth of the business because the main leads have been heroes and protagonists across the country. The viewers have seen films with XYZ actors being the protagonists. So the audience is used to seeing certain kind of films. We have changed that in the last 5-7 years. I think I've been an actor now almost 6 years. In all my films, my co-stars have had fantastic roles along with me. You can argue they're better or worse, but they've been very good roles. I do believe going ahead, this conversation will reduce. बट आई कैनॉट गिव यू अ थिंक यार किसी ने रोक के रखा है. जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, आई हेट कॉलिंग इट वुमेन सेंट्रिक, बट लाइक सी टुडे राजी डज वेल, ऑब्वियसली आलिया विल बी पेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर अ नेक्स्ट फिल्म विच इज फेयर, शी इज वांटेड. आपकी फिल्में चलेंगी, आपको पैसे मिलेंगे. NH10 चलती है, अनुष्का डज वेल, हर प्राइस विल चेंज. इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग टू डिस्कस पीपल्स प्राइसेज. आई फाइंड इट वेरी क्रैश एंड रूड. I feel this conversation leads nowhere because what happens is किसी को असलियत नहीं पता. असलियत सिर्फ उन लोगों को पता है जो बैंक मैनेजर है, जो चेक पढ़ता है और जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं. Nowadays there are lots of ways to compensate for the fact that you get paid even after a film does well. There are a lot of structures in place. I'm not saying it is perfect. There are certain criteria to be met and we are trying to meet them. I think with every passing film, Veere Di Wedding आ रही है, राजी आ रही है. I don't think you're seeing only certain kind of cinema. जैसे जैसे सिनेमा चेंज होता जाएगा वैसे वैसे ये कॉन्वर्सेशन भी कम होते जाएगा. ऑफ कोर्स, सॉरी माय वॉइस इज अ मेस.
I wanted to say that with a lot of gravity, it's not come out right. Of course, I think shelf life has been, yeah, come on, yeah, I'm speaking to you a day after my sister's wedding. She's going to continue working. She has a film releasing. We've already bent the gender there. Anushka's working for the last 6 months after being married. Kareena's a prime example. She's just had Taimur and she's back on set. Of course, making sure women feel safer, they feel more comfortable. It's a much more congenial environment for actresses to grow, to be able to harness their skills. The material is supporting it. You see the scripts that are written. A Razi maybe 7, 8, 10 years back would be a film that would be hero-driven. Today it is content-driven. And it's based on a true story, but they've not changed the story and made it a guy. They've retained the essence of it. Today, the content allows actors and actresses, or say actors, to be there. It's not heroes and heroines. So the evolution is there. But yeah, Hindustan is very big. So jaise ki ye soch ki dhara badalne ki main koshish kar raha hu with the bend the gender, वैसे ही हमारी फिल्में भी ओवरनाइट नहीं कर पाएंगी, फिल्म इंडस्ट्री भी ओवरनाइट नहीं इवॉल्व हो पाएगी. एटलीस्ट वी आर मेकिंग एन एफर्ट एंड दैट्स मोर देन व्हाट अ लॉट ऑफ अदर पीपल आर विलिंग टू डू. सो आई थिंक वी शुड गिव द फिल्म इंडस्ट्री क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. वी स्टिल आर अ वे मोर सिक्योर, वे मोर ओपन. एज मेनी वुमेन आर हियर टुडे कंडक्टिंग द इंटरव्यूज, देयर आर मेन वर्किंग एज वेल. सो आई थिंक वी गिव मोर अपॉर्चुनिटी देन मोस्ट केसेस डू. सो आई थिंक द फिल्म इंडस्ट्री हैज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स एंड यू शुड हाईलाइट दैट. आई थिंक समबडी शुड. I keep harping on it. Thank you, sir. ऐसा कोई जैसे ये इस तरह का सोच भी आना जहन में, ये बहुत बड़ी बात है. आप लोग जो प्रेजेंट करते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात आपको याद हो जिसने आपको ये सोचने पर मजबूर कर दिया अपने फैमिली में या अपने आसपास के दोस्तों में कि नहीं आप मुझे इस, you have to work towards this. You know, क्या हुआ है ऑनेस्टली, जब से मैंने कियन का किया ना, तब से इतने सारे लोगों ने आके मुझसे इतनी सारी बातें की कि कहीं ना कहीं रियलाइज यार एक फिल्म का असर पड़ सकता है, एक अच्छा असर पड़ना चालू हुआ. तो एक वाक्य नहीं कह पाऊँगा, बट आई कैन डेफिनेटली से जब से वो फिल्म की थी मैंने, एंड आई डिड नॉट नो हाउ रेलिवेंट द टॉपिक वॉज एट दैट पॉइंट. आई डिड इट एज अ फिल्म बिकॉज आई फेल्ट यार इट वॉज अ वन लाइन दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, कि एक लड़का जो अपनी माँ जैसा बनना चाहता है, एंड आई वॉज वेरी क्लोज टू माई मदर. आई डिड इट ऑन इम्पल्स एंड इमोशन. बट जब लोगों ने बताया कि उनको बहुत टच किया वो थॉट, आई जस्ट थॉट आई शुड कंटिन्यू दैट थॉट फॉरवर्ड और देखते क्या होता है. आज आप सबकी सपोर्ट से ये 5,000, 10,000, 20,000 लोग देखेंगे, नेट पे कंज्यूम होगा, सोशल मीडिया पे होगा, टीवी चैनल्स पे होगा, न्यूज़पेपर में होगा, बातें शुरू होंगी, चर्चा होगी, अगले साल कुछ और करूँगा, 6 महीने बाद कुछ और करूँगा, हर जगह जाऊँगा, इनकी बातें करते रहूँगा. तो कहीं ना कहीं फ्रॉम माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू, more than one moment that inspired me, I just wanted to be a continuous journey that inspires many more people. Thank you so much. Thank you for coming.